हेलो फ्रेंड्स, आई एम एस के शर्मा फ्रॉम मेजर वन सीतामढ़ी। आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंशन खत्म होने वाला है। और आप कहीं भी पढ़े हैं इस दुनिया के, आप किसी भी कोने में पढ़े हैं, आज एक बार हमारा मेथड देखिए और कमेंट कीजिए कैसा लगता है। तो बिना समय गवाए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। तो मेरे दोस्त, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाम से ही पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, यानी कि कोई भी काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो परफेक्ट। क्लियर? अगर कोई भी काम अगर पूरा हो जाता है तो वो होता है परफेक्ट। तो मेरे दोस्त, मेरे यहाँ टेंस जो आप पढ़े हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर लिंक दिया गया है, शुरू से आप पढ़ सकते हैं। एकदम बेसिक से वहाँ समझाया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, तो वैसा क्रिया का रूप, ठीक है, वैसा क्रिया का रूप जो वर्तमान समय में, जी हाँ मेरे दोस्त, वर्तमान समय है या कोई काल नहीं, ठीक है, वैसा क्रिया का रूप जो वर्तमान समय में पूरा, किसी भी काम को पूरा करने का है ना बोध करता हो, यानी कि किसी भी कोई भी काम पूरा हो, पता अगर लगता हो कि वह काम पूरा हो गया है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। आपको अगर लग रहा है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, या है, ई है, ये है, ठीक है, या ए है, या ई है, ई है, ये सब चीज से अंत करेगा, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो होगा ही। मगर आपका सेंस ये कहता है कि अगर ये ना भी रहे, अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, नहीं भी रहे, तो आपके सेंटेंस के अनुसार आपको पता चलना चाहिए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पढ़ने से ही पता चलना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये अगर किसी भी वाक्य के अंत में ये सब है तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को पढ़ने से पता चलना चाहिए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो देखिए मेरे दोस्त, परफेक्ट, आप ध्यान में ये बात रख लीजिए, अगर परफेक्ट है तो वर्ब फॉर्म जो होगा, वर्ब का तीसरा रूप होगा। आपको कंप्लीट रहना है वर्ब का तीसरा रूप, कहीं से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वर्ब का तीसरा रूप ही होगा। और वर्ब का तीसरा रूप टेंस में हमेशा हैव लेगा, नहीं तो हैज लेगा, नहीं तो हैड लेगा। तो हैड तो पास्ट का है, तो आपको वर्ब का तीसरा रूप जो है प्रेजेंट में, टाइम मेरा प्रेजेंट है मेरे दोस्त, तो हैव लेगा और नहीं तो हैज लेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं लेगा, ठीक है। वर्ब का तीसरा रूप परफेक्ट, यानी कि अगर टेंस मेरा परफेक्ट है तो वर्ब के तीसरा रूप, और प्रेजेंट टाइम है तो हैव और हैज, यानी कि ये दोनों मिलके सेंटेंस को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पीछे और ऑब्जेक्ट आगे, ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव या इसको कह दिए हाँ जी, यही रूल है मेरे दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वर्ब का तीसरा रूप रहेगा ही रहेगा, या कोई भी टेंस हो, ठीक है। चलिए, कोई भी टाइम हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर पास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, हैड इसमें लग जाता। अगर यहाँ पे प्रेजेंट की जगह पर अगर पास्ट होता तो यहाँ क्या लग जाता, हैड लग जाता मेरे दोस्त। तो बात करते हैं हाँ जी ना जी की बात कर लेते हैं रूल। देखिए मेरे दोस्त, सब्जेक्ट अगर नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव हैज के बाद नॉट, और प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या जी, अगर क्या से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो बस हेल्पिंग वर्ब, उसका जो एम इजार वाज वेयर वाला हेल्पिंग वर्ब जो होता है, वही ना बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, हैव और हैज बाहर निकाल देंगे हम, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट,
प्लस क्वेश्चन मार्क, बस यही करना है। क्या जी और क्या नहीं जी की बात करें, है ना, क्या नहीं जी, ठीक। चलिए इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, नहीं मेरे दोस्त सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव हैज के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर डब्ल्यू एच वर्ड्स की बात हो तो डब्ल्यू एच वर्ड्स की बात हो मेरे दोस्त, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स आ जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स आ जाएगा। और डब्ल्यू एच वर्ड्स के बारे में आप जानते ही होइएगा, ठीक है, व्हाट वेयर व्हेन हाउ ये सब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड्स है, ठीक है मेरे दोस्त। तो एग्जाम्पल देते हैं और आपको एग्जाम्पल से हम संतुष्ट करते हैं, क्लियर। चलिए मेरे दोस्त देखिए, जैसे वह मुझसे मिल चुकी है, मिल चुकी है, ठीक है, वह मुझसे मिल चुके हैं या वह मुझसे है ना मिलने आई है, तो वह भी हो जाएगा परफेक्ट मेरे दोस्त। देखिए वह मुझसे मिलने आई है, यहां देखिए मेरे दोस्त वह मुझसे मिलने आई है, यहां वर्ब दो हो जाता है, एक इन्फिनिटिव और एक मेन वर्ब, क्लियर। तो देखिए वह मुझसे मिलने आई है, जरा आप लोग भी ध्यान देंगे। चलिए तो सब्जेक्ट जो है मेरे दोस्त, सब्जेक्ट वह है, क्या है, सब्जेक्ट पहले उठा लेते हैं, सब्जेक्ट वह है, तो यहां क्या हो जाएगा, सी, अगर कोई लड़की है तो सी, ठीक। चलिए सी, अब बात रह गई हैव और हैज की, यानी कि परफेक्ट बनाएगा हेल्पिंग वर्ब में तो कौन बनाएगा, हैव और हैज, क्लियर। चलिए तो सी के साथ आप हैज ही लगाइएगा, हैव क्यों नहीं लगाइएगा, क्योंकि सी सिंगुलर है इसीलिए सी हैज ही होगा। तो सी हैज, अब देखिए मिल चुकी है, तो मिलने का काम जो है मेरे दोस्त परफेक्ट हो गया है, तो सी हैड मीट, मेट, मेट होता है मेरे दोस्त, एम ई टी, यही वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है। चलिए तो सी हैज मेट और ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, यानी कि मी है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है। तो सी हैज मेट मी, वह मुझसे मिल चुकी है, यहां देखिए वह मुझसे मिलने आई है, तो यानी कि वह आने का काम, देखिए मेरे दोस्त बात यहां हो रहा है आने का, तो वह जो आई है तो आना परफेक्ट है, मिलना परफेक्ट नहीं है, तो मिलना जो होगा, तो यहां देखिए आना परफेक्ट है, तो इसको हम भी थ्री में बनाएंगे, ये तो इन्फिनिटिव है ना, इसको हम भी थ्री में बनाएंगे। चलिए तो इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, यानी कि वह मुझसे मिलने आई है, तो सी हैज कम, कैम कम ही होता है, ठीक है, तो सी हैज कम टू, इन्फिनिटिव है पीछे आइए मेरे दोस्त, टू मीट और आई का मी, बस इसी ढंग से बना देना है, कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। चलिए इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की ओर आते हैं, किसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। चलिए अब इसी का बना लेते हैं, वह मुझसे मिल चुकी है, अगर आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। इसका हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे वह मुझसे मिलने नहीं आई है, ठीक है, बात कर रहे हैं परफेक्ट में भी, परफेक्ट में ही, और नेगेटिव हम लगा दिए, क्लियर। तो देखिए सी के साथ हैज ही लगाइएगा, हैज प्लस भी थ्री आई है तो कम, ठीक है, सी हैज कम। और आप वॉइस बनाते हैं तो उसमें आपको पता कैसे लगता है ये कम कैसा है, तो देखिए इसके पहले अगर हैव हैज है तो इसके बाद जो होगा तो वर्ब का तीसरा ही रूप होता है, ठीक है। चलिए तो सी हैज कम हो गया, सी हैज कम, और बात यहां कर ले कि नेगेटिव था तो नॉट लगाना कंपलसरी था, तो सी हैज नॉट कम, पीछे आइए मिलने, तो टू मीट माने मिलना, एम डबल ई टी, ठीक है, मीट माने मिलना, तो सी हैज कम टू मीट, वह मिलने आई है, और किससे मिलने आई है, तो मुझसे, ये ऑब्जेक्ट है, तो आई का मी,
बस कुछ नहीं है। अब क्या जी में बनाते हैं, यानी कि क्या जी, ठीक। अब क्या जी में क्या होगा, क्या लगा देंगे शुरू में, यही ना करेंगे, क्या क्या वह, क्या हुआ मुझसे मिलने आई है। तो मेरे दोस्त बात यहां यह कर लेते हैं, अगर जब भी क्या होगा, ठीक है, जब भी क्या से शुरू होगा तो बस हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ, हैज, ठीक है, हैज सी, ओके, हैज सी कम और मिलने हैं, कम टू, मीट माने मिलना, ठीक है। और एक ये होता है एम ई ए टी, इस मीट का मतलब होता है मांस, ठीक है। चलिए, तो सी हैज कम टू मीट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, मुझसे, तो मी, बस इसी हिसाब से बनाते हैं। अगर नेगेटिव होगा, वह क्या हुआ मुझसे मिलने नहीं आई है, तो अगर मेरे दोस्त अगर नहीं की बात होगी तो क्या होगा, इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, और नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और नहीं तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में हैज में ही नेगेटिव हम बना देंगे, क्लियर। तो बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले टाइप में। चलिए दोस्तों, तो कुछ सेंटेंसों को और देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, बात यहाँ है सेंटेंस की, उसने तुम्हें गाली दी है, तो गाली देने का काम परफेक्ट हो चुका है, गाली देने का काम परफेक्ट हो चुका है ना, गाली दे दिया है ना, है ना। तो देखिए, उसने है तो क्या, ही माने वह या उसने, ठीक है, उसने गाली दी है तो ही हैज एब्यूज का ए बी यू एस ई और डी लगा दीजिए, भर का तीसरा रूप बन गया, एब्यूज माने गाली देना और एब्यूज, ठीक है। तो ही हैज एब्यूज यू, बस कुछ नहीं करना है, ही हैज एब्यूज यू, उसने तुम्हें गाली दी है, क्लियर। केशव ने तुमसे प्यार किया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, केशव का केशव डाल लेते हैं, केशव, ठीक है, केशव ने प्यार कौन किया, केशव यानी कि प्यार कर लिया है, ठीक है। तो यहां देखिए, केशव हैज लव्ड, ठीक है, केशव हैज लव्ड, केशव ने प्यार किया है, अब किससे किया है, तुमसे, ठीक है, तो केशव हैज लव्ड और यू का यू, क्लियर, केशव हैज लव्ड यू, क्लियर। चलिए देखिए, हाँ, जीवेश ने सूरज को गाली दिया है, बहुत खराब लड़का है ना, अरे चलिए, तो यहां देखिए, जीवेश हो गया, जीवेश का जीवेश लिख दिए, अब जीवेश के साथ क्या होगा, हैव या हैज, हैज, ठीक। चलिए, तो जीवेश के साथ हैज, जीवेश हैड, गाली दिया है तो वही एब्यूज का एब्यूज, ठीक है, एब्यूज किसको, सूरज को, तो सूरज को सूरज लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट, नाम का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है, ठीक है। चलिए, अब यहां देखिए, शिक्षक वर्ग में नहीं आए हैं, मेरे दोस्त शिक्षक वर्ग में नहीं आए हैं, तो शिक्षक का जो नहीं आए हैं, है ना, शिक्षक वर्ग में नहीं आया तो वही ना परफेक्ट है, क्या हुआ, तो आए नहीं है, है ना, आए नहीं है, नेगेटिव हो गया, अगर आ जाते तो परफेक्ट, ऐसे भी परफेक्ट है मगर नेगेटिव में है, ठीक है। तो द टीचर, हाँ, तो द क्यों लगा, तो आप जानते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, क्लियर, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग, तो द टीचर हैज की हैज, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज, द टीचर हैज नॉट कम, केम कम ही होता है, ठीक है, नॉट कम, और वर्ग में तो इन द क्लास, ठीक, इन द क्लास, ठीक। चलिए मेरे दोस्त, देखिए, दीपक दिल्ली जाना चाहा है, तो उसका चाहने का काम जो है परफेक्ट हो गया है, ये नहीं कि वो दिल्ली चला गया है, उसके चाहने का काम परफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो देखिए, यह परफेक्ट है, न कि वो दिल्ली चला गया है, तो दीपक हैज वांट से वांटेड हो जाएगा, ठीक है, भाव का तीसरा रूप, तो दीपक हैज वांटेड, है, उसके बाद इन्फिनिटिव है, जाना है, अरे जिस भाव के
है ना, जिस क्रिया के अंत में ना ने नी लगा रहे तो हम समझते कि वह इन्फिनिटिव है, यानी कि उस वर्ब से पहले, वर्ब का पहला रूप से पहले टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर, वर्ब का पहला रूप से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो दीपक हैज वांटेड टू गो, ठीक है, टू दिल्ली। क्लियर, तो इस ढंग से आपको कोई भी सेंटेंस हो बस सॉल्व हो जाएगा, बस स्ट्रक्चर के अनुसार। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक में। चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं, बात यह कर लेते हैं कि अगले सेंटेंस में ये सब वर्ड का आपको प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि इवर मतलब कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा, ओकेजनली मेरे दोस्त ओकेजनली लिखा हुआ है, ठीक है, ओकेजनली, कभी कभी, ऑफन OFTEN है तो ऑफ्टेन नहीं पढ़िएगा, ऑफन, ऑफन प्राय, सेवरल टाइम्स अनेक बार, ऑलरेडी पहले से ही, रिसेंटली या लेटली का मतलब ही होता है मेरे दोस्त हाल ही में, ठीक है, लेटली हाल ही में, सो फार अब तक या जहां तक, ठीक है, अप टू नाउ अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक, वंस मतलब एक बार, ट्विस मतलब दो बार। क्लियर, तो उसी रूल के हिसाब से बनाना है। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से कुछ ऐसे वर्ड है जो वर्ब के तीसरा रूप के पहले आता है, यानी कि ऐसा नहीं कि तीसरा रूप के पहले आता है, वो पहला रूप या दूसरा रूप या पांचवा रूप के भी पहले आता ही है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं यह कि कौन से वो मे वर्ड है जो मेन वर्ब के पहले आएगा। तो बात यह है, मेन वर्ब V3 से जो पहले आएगा, यानी कि ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑफन, ऑफन, जस्ट, ठीक है, ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, और इवर, इवर और नेवर, बस यही छह वर्ड है, ऑलवेज हमेशा, ऑलरेडी पहले से ही, ऑफन प्रायः, जस्ट तुरंत या भी, ठीक है, इवर हमेशा, नेवर, सॉरी इवर मतलब होता है कभी, ठीक है, इवर मतलब कभी, नेवर कभी नहीं। ठीक है, तो ये सब का प्रयोग आपको मेन वर्ब V3 से पहले होगा, ध्यान में रखना है, मेन वर्ब V3 से पहले, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑफन, जस्ट, इवर, नेवर। तो आप लोग मेरे साथ बोलिए तो, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑफन, जस्ट, इवर, नेवर, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑफन, जस्ट, इवर और नेवर, इवर और नेवर, ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑफन, इवर, नेवर, जस्ट, ये सब का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से संतुष्ट करते हैं। जैसे देखिए कहेंगे, मैंने कभी नहीं देखा है, है ना, कोई चीज जो आप नहीं देखते, मैंने कभी नहीं देखा है, तो क्या बनाएगा, आई हैव। अब देखिए यहां पे देखा का सीन, आई हैव सीन होना चाहिए, ठीक है, मगर ये कभी नहीं का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नेवर, यानी कि इस मेन वर्ब V3 से पहले आपको नेवर का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि नेवर सीन। ठीक है, आई हैव नेवर सीन, या मैंने उसे कभी नहीं देखा है, अगर आप उसे लगा तो मैंने उसे कभी नहीं देखा है, तो आई हैव नेवर सीन ही का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, हिम, ठीक है, तो ही के क्या हो जाएगा, हिम, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। ठीक है, चलिए और देखिए मेरे दोस्त, मैंने पहले ही, या उसने, लिखिए जो मर्जी सो लिखिए, उसने पहले ही पटना, उसने पहले ही पटना जा चुका है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, ही हैज, और मेन वर्ब के पहले क्या लगाइए आप, ऑलरेडी, ठीक है, पहले ही, तो ऑलरेडी, ही हैज ऑलरेडी गोन, वर्ब का तीसरा रूप जो होगा गोन, यानी कि बस इसी दोनों के बीच में प्रयोग होता है, यानी कि मेन वर्ब से पहले, तो ही हैज ऑलरेडी गोन टू
पटना, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको हम और सेंटेंस देते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, तो कुछ सेंटेंसेज है और उसको हम स्ट्रक्चर के अनुसार या अपने नियम के अनुसार हल करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मेरा क्या है, स्ट्रक्चर को भी लिख ही लेते हैं। बताए हुए हैं कि वर्ब का तीसरा रूप जो होता है वही परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। वर्ब का तीसरा रूप वही परफेक्ट टेंस होता है, और इससे पहले अगर हैव या हैज लग जाए, हैव या हैज लग जाए, तो उसका भी थ्री का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आएगा ही। अगर बात यह है कि अगर ये सब वर्ड हो, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑफन, जस्ट, इवर और नेवर, ये सारा अगर वर्ड हो, ठीक है, ये सारा वर्ड हो, तो मेन वर्ब के पहले ये सभी वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि वर्ब के तीसरे रूप के पहले और हैव या हैज के बीच में घुस जाएगा, ठीक है। देखिए अब केशव हमेशा आपका मदद किया है, तो यहाँ बात यह है मेरे दोस्त कि हमेशा हमेशा ऐसा सेंटेंस है या वर्ड है जो आपको मेन वर्ब से पहले आएगा। तो केशव, ठीक है, केशव, अब केशव के साथ तो आप हैज ही लगाइएगा, तो केशव हैज, ठीक है, केशव हैज अब मदद किया, तो देखिए हमेशा आ गया ना, हमेशा, तो पहले लिख लेते हैं हेल्प, केशव हैज हेल्प, और केशव हमेशा मदद किया है, तो वही मेन वर्ब से पहले मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, हमेशा का ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है। तो केशव हैज ऑलवेज हेल्प, केशव हमेशा आपकी मदद किया है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आपका मदद किया है ना, ठीक है, तो हेल्प यू, क्लियर। चलिए अगला आते हैं, वह तुरंत गया है, यानी कि अभी जस्ट गया है, जस्ट, जस्ट मतलब तुरंत, ठीक है। तो क्या बनाइएगा आप, ही के साथ आप हैज ही लगाइएगा, ही हैज वर्ब के तीसरा रूप। तो देखिए बता चुके हैं आपको, ऑलवेज, ऑलरेडी, ऑफन, जस्ट, इवर, नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होगा, क्लियर। तो जस्ट है, जस्ट मतलब तुरंत, ही हैज जस्ट गोन, ठीक है, बस उसने, मैंने उसे एक बार देखा है, मैंने उसे एक बार देखा है, तो मैंने, तो आई, आई के साथ आप है भी लगाइएगा, बस हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। अब एक बार की बात है, तो एक बार की, एक बार यानी कि आप कह सकते हैं वंस, मतलब एक बार। तो देखिए एक बार की तो चर्चा नहीं है इसमें, यानी कि भी थ्री से पहले वो नहीं आएगा, ठीक है, तो वो आएगा कब, मेन वर्ब के बाद, ठीक है। तो आई हैव, आई हैव, सी का सीन हो जाता है, आई हैव सीन वंस, ठीक है। चलिए अब समीर राहुल को अनेक बार पीटा है, समीर, चलिए बात करते हैं, समीर अनेक बार पीटा है, ठीक है। तो समीर, समीर हैज, समीज है, समीर हैज, अब अनेक बार की तो चर्चा मेन वर्ब से पहले है नहीं, वो तो मेन वर्ब के बाद ही जाएगा, तो समीर हैज बीट, बीट, बीटेन, समीर हैज बीटेन राहुल, ठीक है, समीर हैज बीटन राहुल, और अनेक बार, तो अनेक बार का क्या होता है, सेवरल टाइम्स, ठीक है। चलिए मैंने वह फिल्म पहले ही देख ली है, तो फिल्म देखने का काम जो है परफेक्ट है, फिल्म देखने का काम जो है परफेक्ट है, तो वही पहला टेंस क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। तो मैंने, तो आई, आई के साथ आप क्या लगाइएगा, हैज, अब देख लिए हैं, तो सी सीन, यानी कि आई हैव पहले ही ना है, तो पहले ही का क्या होता है, ऑलरेडी मतलब पहले ही, तो आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी सीन, सीन डैट फिल्म, वह फिल्म का क्या होगा, डैट फिल्म, क्योंकि डैट का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, और ऐसा आप पढ़े हुएगा एडजेक्टिव में, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी सीन डैट फिल्म, ठीक है। तो इस ढंग से आपको इस टाइप के जो भी ट्रांसलेशन होंगे बन जाएंगे, तो आपको ये सारा वर्ड आपको क्लियर रहना है, क्लियर। चलिए अगले टाइप में आते हैं, चलिए मेरे दोस्त, तो आते हैं हम फोर और सिंस में, तो बस कोई झमेला नहीं है फोर सिंस में, और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए फोर और सिंस,
दोनों का मतलब होता से, मगर फर्क क्या है, यही फर्क तो आपको जानना है। चलिए तो मेरे दोस्त बात कर लेते हैं सिंस। सीधी सी बात है, अगर शुरुआती समय आपको पता है, शुरुआती समय, जी हाँ मेरे दोस्त, जिस समय से शुरू हो रही है और वह समय पता है, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपको शुरुआती समय पता नहीं है तो आप फोर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं शुरुआती समय। जैसे हम कहेंगे 1998 से, पहले लिख लेते हैं, अगर शुरुआती शुरुआती समय पता हो तो सिंस, अगर शुरुआती समय यानी कि शुरू शुरुआती समय अगर पता ना हो तो फोर का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर शुरुआती समय पता हो तो सिंस। जैसे एग्जांपल से आपको संतुष्ट करते हैं। जैसे देखिए मेरे दोस्त, बात यह है, जैसे 1980 से, तो आपको शुरुआती समय पता चल गया कि 1980 से। ठीक है, अब हम कहेंगे सुबह से, तो आपको पता चल गया मेरे दोस्त कि सुबह से। और कहेंगे मेरे दोस्त बहुत सालों से, पता चल रहा है क्या, पता चल रहा है बहुत सालों से, कौन सा साल था, कौन सा दिन था, कौन सा महीना था, पता नहीं चल रहा है। तो अगर पता ना चले तो फोर। ठीक है, बहुत घंटों से फोर, कुछ घंटों से फोर। ठीक है, चलिए 10 बजे से सिंस। ठीक है, 2 मार्च से सिंस। ठीक है, 2017 से सिंस, है ना, सालों से तो फोर। ठीक है, चलिए बचपन से, तो बचपन किसका नहीं याद रहता कि मेरा जन्म कब हुआ है। ठीक है, तो बचपन से तो सिंस। ठीक है, तो इस ढंग से आप बना सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कहेंगे 1980 से, तो क्या आप लिखिएगा, फोर, नहीं सॉरी, 1980 तो से तो सिंस 1980। ठीक है, अगर हम बोलेंगे मेरे दोस्त कि वर्षों से, तो क्या लगाइएगा, फोर इयर्स। ठीक है, फोर इयर्स। यहां देखिए वर्षों से है तो फोर इयर्स, और देखिए यहां अगर 1980 थे, यहां पता चल रहा है कि शुरुआती 1980 थी तो सिंस लगा दिए, अगर यहां पता नहीं चल रहा है कि शुरुआत कब हुआ है तो फोर लगा दिए। ठीक है, अगर शुरुआती पता हो तो सिंस, अगर शुरुआती पता ना हो तो फोर। अब देखिए बचपन से, तो क्या बनाएगा, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, अब कहिएगा कि महीनों से, तो आपको पता चल रहा है कि महीनों से या सालों से। ठीक है, तो महीनों से, तो पता नहीं चल रहा है कि वह जनवरी महीना थी या फरवरी थी या मार्च थी या अप्रैल थी। अगर पता नहीं चल रहा है तो फोर, अगर पता चल रहा है तो सिंस। क्लियर। चलिए, अगर महीनों से तो फोर, मंथ, मंथ्स। ठीक है, चलिए अब हम कहेंगे कि 2 मार्च से, तो क्या लगाएगा, सिंस 2 मार्च। ठीक है, अब कहेंगे कि कुछ महीनों से, तो क्या आप लिखिएगा मेरे दोस्त, फोर फ्यू मंथ्स। ठीक है, फोर फ्यू मंथ्स। अगर कहेंगे मेरे दोस्त कुछ दिनों से, तो क्या बनाएंगे, कुछ दिनों से, तो फोर फ्यू डेज। चार दिनों से कहने से आपको पता चल रहा है कि कौन सा दिन था, पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है ना, वो सोमवार था, मंगलवार था, बुध था, पता ही नहीं चल रहा है। अरे पता नहीं चले मेरे दोस्त, तो बस फोर ही लगाना है, तो फोर फोर डेज। ठीक है, 4 दिनों से, 20 सालों से, है ना, या 200 वर्षों से, यानी कि मान लीजिए अंग्रेजों ने 200 वर्षों से, है ना, हमारे देश में राज किया है। ठीक है, तो आप यहां देखिए 200 वर्षों से हमको यह भी पता नहीं चल रहा है कि उस 200 वर्ष पीछे जाएंगे तो कौन सा साल होगा। ठीक है, तो करेक्ट तो नहीं है, लगभग 200 वर्षों तक किया है। ठीक है, तो 200 वर्षों से, तो शुरुआती समय वहां भी पता नहीं चल रहा है, तो फोर फोर 200 ईयर्स, यही ना कीजिएगा। चलिए आप कुछ आप कहेंगे मेरे दोस्त कि सोमवार से, तो सोमवार से तो एग्जैक्ट हमको पता चल रहा है कि सोमवार से ही, तो आप क्या लिखेगा, आप सिंस मंडे। ठीक है,
शुरुआती समय पता चल गया ना सिंस मंडे, अब कहेंगे 10 बजे से, तो सिंस 10 ओ क्लॉक, ठीक है। अब कहिएगा मेरे दोस्त क्या क्या कि मंगलवार से है ना, या दो दिनों से, ठीक है, तो दो दिनों से कहने से तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए तो कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें आपको फोर और सिंस का प्रयोग देखने को मिलेगा, तो सीधा समझिए कि सिंस का प्रयोग वहां करेंगे जहां शुरुआती समय पता चले, और फोर का प्रयोग वहां करेंगे जहां शुरुआती समय का पता न चले। क्लियर? तो इस टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं। क्लियर? चलिए चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की जिसमें फोर और सिंस का प्रयोग होता है। तो परफेक्ट में देखिए मेरे दोस्त, जैसे देखिए आप बचपन में भी बना चुके हैं या अभी आप भी बनाते हुएगा, जैसे देखिए मैं व्यस्त हूँ है ना, मेरा बेटा नटखट है, ठीक है। चलिए वह अनुपस्थित है, ठीक है, वह अनुपस्थित है। देखिए आप ऐसे सेंटेंस है, यानी कि सामान्य सेंटेंस है ये, ठीक है। तो मैं व्यस्त हूं, मेरा बेटा नटखट है, आपको पता नहीं चल रहा है कि यह वर्ब है या नहीं, ठीक है, टेंस नहीं है ये, कैसा नहीं है। देखिए मेरे दोस्त बात करते हैं, मैं व्यस्त हूं, तो टेंस तब होता जब उसमें वर्ब होता। तो नटखट जो है, नटखट से कोई काम होता नहीं है, ठीक है, नटखट से कोई काम होता नहीं है। यहां देखिए मैं व्यस्त हूं, अनुपस्थित हूं, है ना, नटखट, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त बात यह कर लेते हैं कि मैं व्यस्त हूं, तो इसका आप क्या बनाएगा, आई एम बिजी, ठीक है, यही ना बनाएगा, मैं व्यस्त हूं तो आई एम बिजी, और मेरा बेटा नटखट है तो क्या बनाएगा, माई सन इज नटी, ठीक है, यही ना बनाएगा। वह अनुपस्थित है, क्या हो जाएगा, ही इज अब्सेंट, ठीक है, ही इज अब्सेंट, वह अनुपस्थित है। तो मेरे दोस्त होता क्या है कि इसमें जब तक टाइम प्रवेश नहीं लेगा, किसको अलाउ करता है टेंस, टाइम को, याद रखिएगा, अगर इसमें टाइम प्रवेश नहीं लेगा तो यह टेंस होगा नहीं, अगर टेंस होगा तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे वह अनुपस्थित है तो क्या लिखेंगे हम, कि वह 2 मार्च से अनुपस्थित है, वह 2 मार्च से अनुपस्थित है। देखिए मेरे दोस्त वह 2 मार्च से अपना अनुपस्थित है, तो यानी कि परफेक्ट है, 2 मार्च से वह आ ही नहीं रहा है, यानी कि वह उपस्थित नहीं, अनुपस्थित है। तो ही के साथ आप क्या लगाइए, ही हैज। अब देखिए उसे यहां तो भर्त का पता चल नहीं रहा है, तो वह 2 मार्च से अनुपस्थित, अब है यानी कि जबरदस्ती इस सेंटेंस कर आगे नहीं, है यानी कि हूं तो होना, यानी कि बी माने जो होता है होना है, जबरदस्ती प्रयोग करना तो बी का भीतरी बीन, तो यही प्रयोग आपको हैव हैज के बाद करना पड़ेगा, यानी कि ही हैज बीन अब्सेंट, जी हाँ मेरे दोस्त, ही हैज बीन अब्सेंट, अब कै मार्च से, तो 2 मार्च से वह अनुपस्थित है, तो क्या बनाएगा, वह 2 मार्च से अनुपस्थित है, तो 2 मार्च आपका फिक्स समय पता चल रहा है, यानी कि शुरुआती समय आपको पता चल रहा है, तो सिंस 2 मार्च, क्लियर। चलिए अगला देखिए, जैसे मैं व्यस्त हूं, अगर हम यह कह दें कि मैं सुबह से व्यस्त हूं, टाइम जैसे ही उसमें प्रवेश करेगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, मैं सुबह से व्यस्त हूं, मैं सुबह से व्यस्त हूं, तो आई के साथ आप क्या करेंगे, हैव, आई हैव, अब व्यस्त होना आपका वर्ब है, यानी कि बी का बीन आपको प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि आई हैव बीन,
अब देखिए सुबह से तो शुरुआती समय आपको पता चल रहा है, ठीक है, तो आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। मैं परेशान हूं तो आई एम ट्रबल, और मैं बरसों से परेशान हूं तो आई एम ट्रबल, आई एम ट्रबल, मैं परेशान हूं। अगर मैं बरसों से परेशान हूं तो टाइम आने के बाद यह टेंस में बदल जा रहा है, यानी कि परफेक्ट टेंस में बदल जा रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं कब से, बहुत दिनों से अनुपस्थित हूं, ये सालों से अनुपस्थित हूं। इसमें फोर का प्रयोग करना है क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि किस साल से हम, है ना, परेशान है या अनुपस्थित है, ठीक है। तो मैं सालों से परेशान हूं, तो आई हैव बीन ट्रबल, आई हैव बीन ट्रबल, मैं परेशान रहा हूं, आई हैव बीन ट्रबल, और सालों से, तो फोर इयर्स, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए दो चार और ट्रांसलेशन आपको दे देते हैं, क्लियर आप हो जाएंगे। तो अगर सुनिए, अगर मैं व्यस्त हूं, है ना, यहां सेंटेंस रहेगा मैं व्यस्त रहा हूं, मैं व्यस्त रहा हूं, तो आपको वह बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि व्यस्त रहा हूं, इससे आपको पता चलता है कि कुछ दिन पहले से ही व्यस्त हूं, तो वो आपको बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, क्लियर। चलिए तो कुछ ऐसे सेंटेंस देते हैं जिससे आपको संतुष्टि होगी। चलिए मेरे दोस्त, तो बात करते हैं इस सेंटेंसेस की। तो देखिए, वह एक घंटों से यहां है, वह एक घंटों से यहां है, जैसे कि बात कर ले हम, वह एक घंटों से यहां है, तो टाइम है तो परफेक्ट है, यानी कि कितने देर से परफेक्ट है, एक घंटों से, ठीक है। तो क्या बनाएगा आप, ही हैज, ही हैज। अब देखिए यहां है, यानी कि उसका होना वर्ब है, होना, जबरदस्ती हम बी वाज बीन करते हैं, तो होना वर्ब है, तो ही हैज बीन, ही हैज बीन हेयर, ठीक है, ही हैज बीन हेयर, एक घंटे से। तो एक घंटे से शुरुआती हमको पता नहीं चल रहा है कि 4 बजे से 3 बजे से 5 बजे से कितने बजे से, हमें शुरुआती पता नहीं चल रहा है, तो ही हैज बीन हेयर, तो क्या बनाएगा, एक घंटे से, तो फोर वन आवर, ठीक है, फोर वन आवर, एक घंटे से, ठीक है। रीता बचपन से अच्छी गायिका रही है, तो रीता, ठीक है, रीता गायिका रही है, तो रीता हैज बीन, हाँ रही है तो बीन, यही तो मेन वर्ब है मेरे दोस्त, मेन वर्ब है, तो रीता हैज बीन अ गुड सिंगर, हाँ गुड सिंगर, ठीक है, रीता हैज बीन अ गुड सिंगर। अब क्या चीज है, बचपन से, तो रीता अपने ही बचपन से होगी, वो तो दूसरे को बचपन की बात नहीं होगी, तो वहां पर आप सेंस के आधार पर उसके आप सी के हर, यानी कि सिंस, सिंस हर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, या हर दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़े, यानी कि सिंस चाइल्डहुड भी चलेगा और सिंस हर चाइल्डहुड भी चलेगा, ठीक है, परफेक्ट है, यानी कि रीता अपने ही बचपन से ना है। तुम कब से व्यस्त हो, तो मेरे दोस्त बात यहां है हाउ लॉन्ग, कब से, यानी कि जब से हो तब से परफेक्ट हो, ठीक है। तो आप क्या बनाएगा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू, हाउ लॉन्ग हैव यू, हाउ लॉन्ग हैव यू, ठीक है, बीन, क्लियर, भर का तो प्रयोग करना ही है, तो हाउ लॉन्ग मतलब कब से, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, बीन मेन वर्ब, अब व्यस्त हो तो बीन बिजी, ठीक है। तो आप इस ढंग से सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी ट्रांसलेशन है और उनके स्ट्रक्चर है, उनके हिसाब से आप कोई भी ग्रामर हो, कहीं से भी कोई सेंटेंस हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मैं हमेशा तुम्हें चाहा है, मैंने या मैं, मैंने कर दीजिए यहां, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, तो आई हैव, आई हैज ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, आई हैव ऑलवेज वांटेड यू, मैंने, आई हैव ऑलवेज वांटेड यू, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, ठीक है, बना ही देते हैं, आई हैव ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज वांटेड यू, ठीक है। चलिए तो इस ढंग से आप बना सकते हैं, दीपक बचपन से बेवकूफ है, तो दीपक
दीपक हैज बीन फुलिस, ठीक है, फुलिस मतलब मूर्ख या बेवकूफ, ठीक है, होता है ना, तो दीपक हैज बीन फुलिस सिंस चाइल्डहुड या सिंस हिज चाइल्डहुड, अभी आप कर सकते हैं सिंस हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन से ही है। जिवेश 5 दिनों से अनुपस्थित है, तो जिवेश क्या बनाएंगे इसका आप, जिवेश हैज बीन अब्सेंट, ठीक है। अब 5 दिनों से, तो शुरुआती समय हमें पता ही नहीं चल रहा है कि शुरुआती दिन कौन था, तो आप क्या लगाएगा, 4-5 days, ठीक है, 4-5 days, बस कुछ नहीं करना है। तो इस ढंग से मेरे दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी आपको एग्जाम से लेकर किसी भी एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप देते हैं सारा आपको हल होगा और सारी ट्रांसलेशन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वीडियो में, गुड बाय।